माशाल्लाह से यहाँ आप देख रहे हैं पाकिस्तानी दस्ता अपना जुलूस ख़त्म करके वापस से जो एरिया इन्हें अलॉट किया गया है मस्जिद में वहाँ पर ये लोग रिटर्न आ रहे हैं फोनियाज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने इसी तरीके से हमारे बच्चे हमेशा हमेशा हमारे दुनिया में ना रहने के बाद भी इसी तरीके से जुलूस को मजलिस अज़ादारी को कायम रखे। ये इनके लिए हमें हम एक इनके लिए इंस्पिरेशन छोड़कर जा रहे हैं। दौलत जायदाद छोड़कर जाना अलग बात है, लेकिन जो वैल्यूज़ हम रिलीजियस वैल्यूज़ हमारे बच्चों के अंदर देकर जाते हैं वो सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। और हमें कब्र में उसी का सवाल किया जाएगा कि आपने बच्चे को क्या देकर आए। तो बस बचपन से मेरे बच्चे ये इल्म उठाते आए हुए आ रहे हैं और सारे शिया के बच्चों को यही तरबियत दी जाती है कि आपको अपने दीन को अपने हुसैन को नहीं भूलना है और उसका अलम हमेशा आप 10 महीने कमाएं और 1 महीने में अपनी ज़िंदगी अपने जो कमाया हुआ है वो मौला के नाम पर आप दे दें और उसके जुलूस को बर्पा करें। आज हमने हमारे बच्चे को ये सिखाया, कल उनके बच्चे करेंगे और इसी तरीके से मजलिस ऐज़ा कायम जारी और सारी रहेगी। तो आगे आप देखेंगे पूरा 9th मुहर्रम का हेलकली का पूरी गली का मंज़र। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। अपने को वहाँ से दूर उतर के जाना पड़ेगा, वहाँ उतर के जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 9th मुहर्रम है और हम लोग जा रहे हैं मजलिस में और 9th मुहर्रम की शाम की मजलिस के बाद हम शब आशूर का जुलूस अटेंड करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। ये सारा मंज़र है टर्की में इस्तांबुल सिटी के एक एरिया का, हेलकली जिसे कहते हैं, जहाँ पर आपको सारे ही शिया नज़र आएंगे और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो अज़रबैजान और टर्किश लोग हैं। और ये पूरी ही गली आपको ऐसे लगेगा कि आप जैसे करबला में बैनुल हरमैन में आ गए हैं। यहाँ पे दोनों गेट हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के गेट बनाए जाते हैं फ्रॉम 1st टिल 10th ऑफ मुहर्रम। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इस्तांबुल में हैं, बल्कि आपको यही लगेगा कि आप जैसे करबला की गलियों में हैं। यहाँ पर हज़रत अब्बास का बहुत ही बड़ा अलम, मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड जो यहाँ रहती है उसके घर से लेकर मैं इमाम बारगाह की तरफ जा रही हूँ, तो मेरी बेटी ने ये अलम उठाया हुआ है और बस मौला अलम उठाने वाले हाथों को सलामत रखे। तो बस अब ये लेकर मैं इमाम बारगाह की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का एरिया है जहाँ पर हम मजलिस करते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है। और ये जो मस्जिद देख रहे हैं ये इस्तांबुल की शियाज़ लार्जेस्ट मॉस्क है और ये यूरोप की लार्जेस्ट मॉस्क मानी जाती है। अगर आप गूगल करेंगे ज़ैनबिया पर तो आपको ज़ैनबिया इस्तांबुल नज़र आएगा, जो लार्जेस्ट मॉस्क इन जाफरी मॉस्क जो है वो लार्जेस्ट इज़ इन इस्तांबुल। ये अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर इसका आउटर पार्ट कंप्लीट रेडी हो गया है, जिसमें से ये पूरी बिल्डिंग में से इन्होंने पाकिस्तानी, ईरानी, इराकी सबको ये लोगों ने स्पेस दी हुई है जहाँ पर लोग अपनी अपनी ज़बान में मजलिस बर्पा करते हैं। ऊपर के पार्ट पर जो ऊपर के फ्लोर्स है वहाँ पर नमाज रूम है और वहाँ पर टर्किश मजलिस होती है लेडीज़ लोगों की, और मेंस का नमाज रूम है। बाकी बेसमेंट में इन्होंने ईरानी, इराकी और पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है, अज़रबैजान वालों को जगह दी हुई है, जहाँ पे वो लोग अपनी अपनी ज़बान में मजलिसें करते हैं और अपनी कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 9th मुहर्रम का पूरा ये वे है और 9th मुहर्रम का जुलूस है अभी, और हम लोग शब आशूर के जुलूस के लिए यहाँ पर सारे ही गैदर हुए हैं। जब मुहर्रम का ये शब आशूर का दिन आता है तो पूरे ही इस्तांबुल में जितने भी शिया लोग हैं वो इस गली में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकलता है शब का और रोज़े आशूर के दिन का भी बहुत बड़ा जुलूस होता है, जो टर्की का इस्तांबुल का द लार्जेस्ट जुलूस माना जाता है। अगर आप कहीं भी गूगल करेंगे तो आपको इस्तांबुल का इसी गली का जुलूस नज़र आएगा। बहुत बड़ा जुलूस होता है सुबह का और रात का भी, जहाँ पे इस्तांबुल में जितनी भी मॉस्क है, इमाम हसन मॉस्क, इमाम जाफर सादिक मॉस्क, सब अपनी अपनी मस्जिदों के अंजुमन यहाँ पर आती है रात को शब आशूर पे, और बड़ा जुलूस निकलता है। सबके अपने अपने लाइन से दस्ते, मातमी दस्ते आते हैं
और फिर पाकिस्तानी दस्ता होता है जिसमें अज़रबैजान वाले होते हैं, अफ़गानी होते हैं, डिफरेंट कंट्री से सारे दस्ते अपने मातमी ग्रुप्स आते हैं और मातम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही रौनक का हो जाता है। इस वक्त बज रहे हैं शाम के, मैंने उस वक्त भी मेरे बच्चों ने अलम उठाया था। मैं जब यहाँ आई थी तो एक ही अलम मैंने छोटा सा लेकर आई थी, तो अलम मेरे बच्चों ने उठाया था 2019 में, और आज तक मैं यहाँ पर अलम सजाती हूँ और हर साल मेरे बच्चे अलम उठाते हैं। और बस यही ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह यहाँ से हम अरबईन पर जाए, मेरे बच्चे अलम उठाए और अरबईन वॉक पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हम जाएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तानी कौम बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह से। पहले इतने ज़्यादा लोग नहीं थे मगर अब 50-60 फैमिलीज़ हो गई है। पाकिस्तानी इंडियंस मिलकर मजलिस का और मातम का एहतमाम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे फ्री सर्विस दी गई है बस की, के लोगों को अपने अपने एरिया से लेकर हेलकली तक, क्योंकि ये बहुत दूर है एरिया रेजिडेंशियल एरिया से जहाँ पर पाकिस्तानीज रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और इंडियन कम्युनिटी की तरफ से फ्री बस सर्विस दी गई है, तो हमें रोज़ाना यहाँ पर आना नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला उनके रिस्क में बरकत दे और इजाफा करे उनके रिस्क में और उन्हें तौफीकात दे कि वो हर साल ये सर्विस को बढ़ाते जाए इंशाल्लाह। तो बस हमारे साथ रहिए, देखते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह हम आपको और भी बहुत सारे यहाँ की कम्युनिटी के हवाले से, यहाँ की मस्जिदों के हवाले से और भी वीडियोस बताएंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे जगह जगह पर सबीले लगी हुई है, बच्चे माएँ औरतें यहाँ पर सब लोग शरबत और न्याजे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करबला में आपको जगह जगह पे खाने की न्याजों की लंगरों की सबीले नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे ही लोग जो रास्ते पे बांट रहे हैं कि किसी ने सबील लगाई है बड़ी, तो कोई रास्ते पर यूँ ही माएँ अपने बच्चों को लेकर इमाम हुसैन के नाम पर दे रही है। जैसे करबला के लोग भूखे थे वैसे यहाँ पर अब कोई भूखा नहीं रहता। इस गली में आशूर के वक्त जो भी आता है उसे वो लोग सैराब करते हैं, पानी से, ठंडे पानी से, जूस से, शरबत से। यहाँ पे टर्किश नियाजे मिल रही है, कहावे मिल रहे हैं, हर तरीके की नियाजे तकसीम हो रही है। लोग अपने घर घर से बनाकर ला ला के यहाँ पर दे रहे हैं और नाम हुसैन आप जितना भी तो उतना कम है। ये तो बस मारिफत की बात है कि अगर आप में मारिफत है, आप समझते हैं कि इमाम हुसैन के नाम पर आप दोगे तो आपको बंद हाथों से इतना मिलेगा कि आप जिसकी सोच भी नहीं है आपकी, कि मौला के नाम पर अगर एक लकड़ी भी उस न्याज को बनाने में अगर आप अपने अपने दरख्त की एक लकड़ी भी जलाते हो तो उसका अरबों करोड़ों हिसाब बेहिसाब आपको अजर मिलता है। बस इंशाल्लाह लोग अगर इसके नाम पर दे तो इसकी जो मौजज़ात है वो अपनी ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगे। है और जैसे ही रात होगी बिल्कुल रेड लाइट्स चालू हो जाएगी और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कहीं और है। अगर इस्तांबुल में रहते हुए अगर आपको करबला जाना नसीब नहीं होता तो आप इस गली में आ जाए, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप इमाम हुसैन और इस्तबास के रोज़े के बीच में खड़े हुए हैं। हालांकि टर्की से इस करबला जाना बहुत ही प्राइस लो है, मगर कहते हैं ना कि इस करबला की ज़मीन पर जाने के लिए आपका पैसा काम नहीं आता, यहाँ पे स्पेशल इनविटेशन मिलना चाहिए इस्तबास की तरफ से, तो ही वो लोग करबला की ज़मीन पर जा सकते हैं। हालांकि इस्तांबुल से करबला जाना इज़ जस्ट $340 बाई रोड एंड $600 बाई फ़्लाइट। द प्राइस इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में, 3-4,000-5,000 डॉलर्स में जाते हैं लोग। लेकिन जब बुलावा होता है तो कोई भी रकम हो उसका इंतज़ाम हो ही जाता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत में जाना नहीं लिखा है तो चाहे $100 का भी डिस्टेंस क्यों ना हो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशल इनविटेशन फ्रॉम गाजी अब्बास यू नीड टू हैव। तो शायद हमारी किस्मत में नहीं है इसीलिए हम लोग करबला तो नहीं जा सके, मगर इस ज़मीन पर इस एरिया में आके हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हम करबला में नहीं हैं, हमें बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि हम करबला की ज़मीन पर चल रहे हैं और एक रात के लिए हमारा दिल हमें यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हम करबला में बैन-उल-हरमैन में की ज़ियारत कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ रहिए, ये पूरा वीडियो आपको, ये 9th मुहर्रम का वीडियो है,
और इंशाल्लाह आपको और भी सारे वीडियोस नज़र आएंगे। मैं मंजर कशी भी डालूंगी जो इस्तांबुल के दूसरे मस्जिदों में जहां पर मंजर कशी भी होती है, वो भी वीडियो इंशाल्लाह आपको देखने मिलेगी। आज के वीडियो में आपको पूरा ही इस गली का रौनक माहौल देखने मिल रहा है कि किस तरीके से इस्तांबुल में करबला का बैनुल हरमैन बनाया जाता है। इंशाल्लाह जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहे। पूरा ही मुहर्रम का सीरीज़ हम बताएंगे आपको यहाँ पे इंशाल्लाह। आगे और भी जो मजालिस होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर 6 साल हो गए हैं और मौला हमें यहाँ पे सालों साल आबाद रखे और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी हर परेशानी को दूर करे और उनके रिस्क में बरकत दे। परवरदिगार उनके रिस्क के रास्ते खोल दे, उन्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जहाँ जहाँ मोमिनीन आबाद है, नाम हुसैन को आगे कर रहे हैं। परवरदिगार उसकी हर परेशानी को दूर करे और उनके उनकी हर हर मुश्किलों को आसान करे और उनका रिस्क जहाँ भी वो रह रहे हैं उसके उनके रिस्क में बरकत दे। परवरदिगार बेहक के चारदा मासूमीन के हमें और हमारी औलादों को इसी राह पर चलने की तौफीक अता करे और इमाम हुसैन की मारिफत हमारे दिल में पैदा करे ताकि हम उनके नाम पर अपनी जान भी दे सके। परवरदिगार जो जो मोमिनीन मोमिनात जहाँ रह रहे हैं, जिस जिस शहर में, अमेरिका, हम हर जगह पे इस जुलूस को देख रहे हैं। आज गूगल पर आप जितना स्क्रोल करेंगे आपको हर जगह पर इटली में, नॉर्वे में, स्विट्ज़रलैंड में, कैनेडा में, हर जगह आपको ये नज़र आ रहा है। परवरदिगार ये इस मजलिस को शादोआबाद रखना और यहाँ पे इस जहाँ कराची में, क्वेटा में, मस्कत में जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुए, परवरदिगार इसे अहले बैत के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करना। बस इस गली में हमें बिल्कुल भी करबला की कैफियत आती है और ऐसा लगता है यहाँ से हम जाए ही ना। यहाँ पे गली गली में आपको यहाँ के जो इमाम हुसैन के नाम के और करबला के नाम के प्रिंटेड टी शर्ट्स अवेलेबल है, तो मैंने भी बड़ी खुशी से मेरे बच्चों के लिए वो टी शर्ट्स खरीदे यहाँ से। और बस मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हम एक्चुअली शियाज माएँ जो होती है बच्चों को इसीलिए परवान चढ़ाती है कि इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान कर सके। तो बस मेरा यही शौक़ है कि मैं मेरे बच्चे अलम उठाए और ये टी शर्ट्स पहने। जैसे नाम अब्बास आता है तो हमारी आंखें भर जाती है। यहाँ पे मैं इन लड़कों से पूछ रही थी कि ये स्टिक इन्होंने कहाँ से ली। एक्चुअली मैंने जो अलम मेरे बच्चों के लिए बनाया था तो स्टिक बहुत छोटी थी, तो मुझे ऐसी बड़ी स्टिक चाहिए थी। तो वो लोगों ने मुझे दूसरी दुकान बताई लेकिन वो दुकान बंद हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो मैं स्टिक नहीं ले सकी। लेकिन माशाल्लाह से इनकी स्टिक बहुत बड़ी होती है। हमारे बच्चों ने भी फ्लैग्स निकाले थे, जो रात का जुलूस मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी है उसमें आपने देखा होगा। उनकी स्टिक थोड़ी छोटी है लेकिन ये बच्चों ने मुझे गाइड किया था, वो दुकान मुझे बताई लेकिन बंद हो गई थी तो मैं स्टिक नहीं ले सकी। लेकिन फिर मैंने बच्चों के लिए टी शर्ट्स लिए यहीं की गली में से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग इसी तरीके से बड़े अलम और भी बड़े अलम निकालेंगे और इंशाल्लाह बड़ी सबीले करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बच्चे जगह जगह पर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर नियाज़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि करबला में हर जगह पर आपको नियाज मिल रही होती है। ये 9th मुहर्रम की सुबह से नियाज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। इस वक्त हम लोग आए हैं तो हमें हर जगह पर कॉफ़ी, शरबत, जूसेस सब बच्चे बांट रहे हैं। माशाल्लाह से ये मौला की राह में आप जितना दो उतना कम है। आपको बस मारिफत होनी चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम पर अगर आप जितना निकालेंगे, राय खुदा में जितना देंगे बंद आँखों से, तो मौला इमाम हुसैन बंद आँखों हाथों से आपको इतना नवाजेंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो बस आप देख रहे हैं यहाँ पर लेडीज़ लोगों ने भी सवीले लगाई हुई है। ये अन्ना जहरा है, यहाँ की बहुत बड़ी लार्जेस्ट एसोसिएशन अन्ना जहरा है। और ईरानी और इराकी यहाँ पे टर्किश का जो हुईज़ हुसैन नहीं है लेकिन अन्ना जहरा है, जो सारा ही शियों का जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो इनकी तरफ से होते हैं। और आप देख रहे हैं पुलिस की सिक्योरिटी कितनी टाइट है यहाँ पर, क्योंकि सारे रेजिडेंट्स लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनके कार्ड्स चेक किए जाते हैं रेजिडेंट। आप देख रहे हैं मासूम बच्चे भी यहाँ पर सारा ही न्याज लगाई हुई है, इन्हों जगह जगह पर लोग न्याज बांट रहे हैं। टर्किश कहावे मिल रहे हैं, जूसेस मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाते, कोई भूखा इस गली से इस आशूर के दिन नहीं जाता। आपको जगह जगह पे सबीले नज़र आएगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इराक में, ईरान में जैसे बाई वॉक होता है अरबईन का, वही बिल्कुल उसी तरीके का मंज़र है। माशाल्लाह से आप मेरा दूसरा वीडियो जो मैंने डाला है रात का वो देखिएगा, बहुत ही रौनक वाला है। और बस अब शाम होती जा रही है और लोग सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, सारे अलम आते जा रहे हैं
और सारे ही फॉरेनर्स यहाँ पर इंशाल्लाह गैदर हो जाएंगे रात तक। तो ये बहुत ही बेहतरीन जगह पर है, जगह है। अगर आप इस्तांबुल में हैं तो शबे आशूर यहाँ पर आना ना भूलें। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम शियाज़ इन इस्तांबुल पेज पर आप कमेंट कर सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस। ये मस्जिद के पीछे बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पर सारे ही अरेंजमेंट्स किए गई है, सिटिंग अरेंजमेंट। रात को यहाँ पर मगरिब इशा की नमाज़ के बाद सब लोग यहाँ पर मैदान में बैठ जाते हैं और यहाँ पर मजलिसें होती है टर्किश। ये लोग अपनी लैंग्वेज में मजलिस कर रहे होते हैं, टर्किश जो इनका बयान होता है। और बस एक यही नाम हुसैन है जो हम सबको एक किए हुए है। कुछ समझ आए ना आए लेकिन नाम हुसैन और उसका जब उनका बयान आता है तो सबको सब कुछ समझ में आने लगता है, चाहे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहता हुसैन के नाम पर। और ये हर रोज़ 10 दिन तक यहाँ पर इसी तरीके से ये लोग सब जमा होते हैं। और जो दूसरे कम्युनिटी दूसरी कंट्री के लोग हैं वो लोगों को जो स्पेस दी हुई है वहाँ पर हम लोग मजलिस करते हैं। और जब रात का जुलूस होगा तो ये सारा जुलूस यहाँ पर आएगा पूरी गली से चलता हुआ, फिर आखिरी में यहाँ पर आएगा जुलूस। तो अभी बस शब का जुलूस शुरू होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं